चलो ते गवाचिया दा सुचे गीत दा जाता वड्डे अते हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी नई वीडियोस आती रहेंगी। तो फिर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह जिसे देख के शायद आपका मन खुश हो जाए। देखिए, हम जा रहे हैं आज जिब्बी वाटरफॉल और ये आनी टू जिब्बी का सफ़र है। अभी हम घर से निकले ही थे और बारिश का मौसम था, बारिश लगी थी। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी थी तो रोड थोड़ी ख़राब हुई है, वो अभी घर तक आती नहीं है, तो इस करके गाड़ी घर तक आती नहीं है और हमसे गाड़ी भी छूट चुकी थी। तो फिर हम पैदल ही जा रहे हैं, थोड़ा सा सफ़र हमने पैदल ही। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाटरफॉल एंड वाटरफॉल तक का पार्टी का पूरा सफ़र। देखिए फ्रेंड्स, बीच के सफ़र में कितना अच्छा व्यू है। ये जो खेत है, ये धान की खेती है और ये साथ में छोटी सी रिवर बहती है। धान की खेती के लिए तो पानी साथ में चाहिए ही है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे रिवर के साथ खेत के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं और इसमें सब लोग धान उगाते हैं, क्योंकि ये खेती आजकल ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम लोग इस खेती को करते हैं। वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, खेत के छोटे छोटे टुकड़े कितनी अच्छी तरह से बनाए। ऊपर का व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये खेत देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पार्ट पार्ट किए होते हैं खेत के ताकि इसमें पानी ठहर जाए। साथ में कितना सुंदर व्यू है। और ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो पहले पुराने ज़माने में झोंपड़ियाँ होती थी, घास की झोंपड़ियाँ बनी होती थी, वो देखिए नीचे आज भी कुछ कुछ दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये साफ नज़र नहीं आ रही है। ये झोंपड़ियाँ जो है, इनमें जो ये धान की खेती करते हैं, ये रहते हैं इधर, क्योंकि इधर घर बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। कभी ये रिवर ज़्यादा आ जाए तो फिर इधर से बह भी सकते। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जिब्बी। वेलकम टू जिब्बी। ये है जिब्बी वाटरफॉल कैफ़े। ये हमारे भैया का कैफ़े है। इधर हम लंच पे आए थे, फिर इधर हमें उस टाइम भूख लगी थी तो फिर हम इधर लंच करने आए थे। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये हमारे भैया हैं, इनका नाम अशोक है। देखिए कैसे गौर से देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। और ये हैं मिस्टर पंकज ठाकुर। और इधर देखिए कितना सुंदर बनाया है इन्होंने। ये इनके कुछ गेस्ट लोग आए थे, इधर आते हैं, इधर खाना खाते हैं, खाना खा सकते हैं। जब आप जिब्बी वाटरफॉल घूमने आएंगे तो इधर आप लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इधर इनके खाना सब कुछ बनता है, जो आप ऑर्डर करना चाहो वो सब आप ऑर्डर कर सकते हैं इधर। और जो ये कैफ़े है, इसके बाहर देखिए कितना सुंदर व्यू दिखता है, पूरा जिब्बी इधर से दिखता है। और ये इनका पाम ट्री है, कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं इन्होंने। इधर हम लंच कर रहे थे और ये एक भैया है, लंच करने के बाद हम सीधे वाटरफॉल गए। बहुत टेस्टी खाना बनता है इधर फ्रेंड्स, अगर आप जिब्बी वाटरफॉल आएंगे तो पक्का इस कैफ़े में एक बार खाना खाने जाएं। तुम आप चाहे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच, डिनर, जो मर्ज़ी आपकी जो इच्छा हो। इधर
चाइनीज़ भी बनता है, सब कुछ बनता है इधर। आपकी अपनी मनपसंद है, जो आप खाना चाहो खा सकते हैं। कितने अच्छे से इन्होंने सजावट की है इधर। ये इनके कोई गेस्ट आए थे और ये बड़े बिजी थे। फाइनली हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जीबी वाटरफॉल की ओर। और ये है जीबी वाटरफॉल का गेट। पहले गेट से एंट्री करनी पड़ती है। गेट में पहले एंट्री टिकट लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और फिर इसके बाद रास्ता है। गेट के पास कुछ लोग होते, ये देखिए कितना अच्छा वो बोर्ड लगाया है, रास्ते में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इस रास्ते में जो भी जाता है अपना खाने का सामान जो होता है, कुरकुरे चिप्स लेज सब कुछ, उसके लिए स्पेशल से एक खुद के साथ एक कैरी बैग कैरी करना पड़ता है, और जो उसके रैपर्स हैं वो साथ में लाने पड़ते हैं, इधर उनको नहीं फेंकते हैं। और वो देखिए रास्ते में जाते जाते कितना सुंदर फूल मिलता है, और साथ में ये छोटी सी रिवर टाइप है। सामने एक फ़ोटो पॉइंट भी है, फ़ोटो प्लेस, जो इधर बोर्ड भी लगा है एक फ़ोटो पॉइंट का, वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है इधर फ़ोटो निकाल सकते हैं। बट ये ऑन रिस्क होता है, इधर गिरने का भी चांसेस रहते हैं, अगर कोई गिर गया तो इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं। ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर फ़ोटो अच्छे निकलते हैं। ये देखिए वो बोर्ड लगा है, इसमें फ़ोटो प्लेस लिखा है, बट ये थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, अगर आप भी फ़ोटो निकालने जाएंगे थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि इधर थोड़ा फिसलन वाला है, पानी गिर के थोड़ा फिसल भी सकते हैं। वो देखिए रास्ते में, इस रास्ते में कम से कम 5 या 6 पुल मिलते हैं। ये देख, पहले ये पुल थोड़े पुराने टाइप के थे, अब इनमें नई लकड़ियाँ लग चुकी है। कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन है। इधर घूमने और भी बहुत सारे आए होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए होते हैं। ₹20 का टिकट लगता है, एक एंट्री टिकट। उसके बाद आप जितना मर्जी जब मर्जी तक रहो घूम सकते हैं, जब चाहे घूम सकते हैं, जितना मर्जी फ़ोटोशूट करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी कर सकते हैं। और इधर आप ये देखिए कितना सुंदर पुल है, ये रास्ते में जाते जाते मिलता है। ये नीचे का थोड़ा पुराना है, ऊपर अभी इसका काम चला था तो फिर इधर ऐसी लकड़ियाँ गिरी है, अब भी करके ये नए लगे हैं, तब करके इसमें थोड़ी लकड़ियाँ गिरी है। ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे आप जीबी वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर, इतनी अच्छी जगह है। वो देखिए गाइस घूमने आए थे, ये दिल्ली से आए थे इधर घूमने। आज तो इधर बहुत सीजन टाइम इधर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होती है। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुँचने ही वाले हैं, बस कुछ टाइम का सफ़र रहा और हम पहुंच चुके हैं जीबी वाटरफॉल। और आपको हम दिखाते हैं जीबी वाटरफॉल का नज़ारा। वाटरफॉल के आगे एक टैंक टाइप का बनाया है, ये पानी स्टोर करने के लिए है। इधर गर्मी टाइम नहा भी सकते हैं, बट ऑन रिस्क, अगर बीमार हो जाए तो फिर इसके रिस्पॉन्सिबल खुद है।
अगर आप भी इसमें नहाना चाहते हैं तो प्लीज़ गर्मियों के टाइम में नहाएं, सर्दियों में बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि रिस्की रहता है, बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लें। और वो देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है, आसपास इतने सुंदर पत्थर लगाए हैं, वो देखिए पहाड़ों के बीच से गुजर के पानी बहता है। रंग की हो गया मैंने, हर रोज तेरी कमी महसूस होती है, मैंने लगता है मैंने तेरे नाल प्यार हो गया। होनी हवा एक किस्सा जोड़ दे फरीद दे माही। जाता बड़े अगर आप भी चाहे तो आप भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एंट्री टिकट रखता है, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाटरफॉल की आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, वाटरफॉल का फ़ोटोशूट कर सकते हैं और आसपास का सारा व्यू भी कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी पक्का जी भी वाटरफॉल देखने आएँ क्योंकि बहुत अच्छा है, आपको आके अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो